सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक हिंदू लड़की हैदराबाद में एक स्पीच के दौरान लोगों से कहती है कि जो इंसान नमाज के सजदों में ज्यादा झुकता है, जिंदगी में उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। अब देखिए, वह लड़की हिंदू है या मुस्लिम ये तो हमें नहीं पता, पर उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसे इस्लाम जरूर पसंद है। दोस्तों, यह वीडियो आपको दिखाने और बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि सारे मुसलमान भाई बहनों को मैं यह बता सकूं कि वह कौन है जिसके आगे संसार के हर एक मनुष्य को झुकना पड़ेगा, और वह कौन है जो पूरे मानव जाति के लोगों के द्वारा महिमा और प्रशंसा पाने के योग्य है। तो चलिए पहले इस लड़की के बातों को सुन लेते हैं। वक्त बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, जुल्म बढ़ जाता है तब हर चेहरे का नकाब बदलेगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा पांच वक्त की नमाज है। अगर आप फजर सोने में, जोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में और ईशा टीवी पर काटते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी भी कटने वाली है। क्योंकि जो इंसान नमाज के सजदों में ज़्यादा झुकता है, उसे ज़िंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। दोस्तों, इस्लाम के अनुसार अगर आपको जन्नत चाहिए तो पांच बार नमाज पढ़ना जरूरी है। चाहे आपका मन हो या ना हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार रोजे के वक्त जैसे फास्टिंग होता है, जन्नत के लिए ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर सभी मुसलमान भाई बहनों को यह बताना चाहता हूँ कि हर मनुष्य के द्वारा महिमा और प्रशंसा पाने के योग्य सिर्फ यीशु मसीह ही है, क्योंकि केवल प्रभु यीशु ही संसार के हर एक जन के पापों के लिए क्रूस पर मरा है और हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाया है। प्रभु यीशु को छोड़ इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है जो कि पवित्र और निष्पाप हो। दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पवित्रमय पुत्र यीशु मसीह को हम पापियों के बीच में भेज दिया, और वही प्रभु यीशु हमारे पापों की सजा खुद क्रूस पर भोगा, जिससे कि हम सब कोई उस पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु सबसे महान है और संसार के हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु के सामने ही झुकना चाहिए। दोस्तों, वचन हमें कहता है फिलिप्पियों दूसरा अध्याय उसका 10 और 11 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। और जब हम रोमियो 14:11 में पढ़ते हैं तो वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर की अंगीकार करेगी। देखिए, मैं सभी मुसलमान भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने पापों से मन फिराएं, सच्चाई को जानें और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ताकि आपका जीवन भी अनंत नर्क से बचाया जा सके। आई होप कि हमारा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।